लोकसभा चुनाव के बीच अब तक तीन फेज की वोटिंग हो चुकी है और चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को होनी है। ऐसे में वोटिंग के दौरान की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य अपने नाबालिग बेटे से वोटिंग कराते हुए दिख रहा है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और लगे हाथों लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी बहती गंगा में हाथ धो डाले और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव को मजाक बनाकर रखा है। चलिए क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए चुनाव आयोग से तीखा सवाल पूछा कि अब बच्चों को भी वोट डालने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अगर हम इस पर बोलेंगे तो सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने इस पर लिखा, हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है, चुनाव का मजाक बना के रख दिया है भाई, अब ये मत कहिएगा कि बच्चों को वोट डालने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे डाली है। लालजी वर्मा ने एक्स पर लिखा, हेलो भारतीय चुनाव आयोग, चुनाव करवा रहे हैं या वीडियो गेम खेलवा रहे हैं? दरअसल ये वीडियो है मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में हुए चुनाव का, जिसमें भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर अपने नाबालिग बेटे से बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवाते हुए दिख रहे हैं। बच्चे से वोटिंग कराने की ये वीडियो भी उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। जैसे ही ये वीडियो लोगों के सामने आया, इस पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी नेता ने इस वीडियो को अपने अकाउंट से हटा दिया है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।